सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो बाई जी टीवी ते मैं जस्सी बड़ैच। अज बहुत खास जानकारी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हां। जानकारी जुड़ी आ साडी हैल्थ दे नाल। असीं कहिंदे हुंदे ना कि असीं की सोचदे हां ते की खांदे हां, इह बड़ा जरूरी हुंदा। साडे नाल गल्लबात करन दे लई मौजूद रहणगे डॉक्टर सोनू गोयल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, जिद्दां मैं जिक्र कीता कि सोचदे हां ते की खांदे हां, दोवें चीज़ां बहुत मैटर करदियां साडी हैल्थ दे लई, ते तुसीं इहदे बारे की कहना चाहो? देखिए, जो पुरानी कहावत ये होती थी कि जो खाना हमें अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, वो अच्छा होता है। जैसे करेला है तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पिज़्ज़ा बर्गर है, हमारे को टेस्ट ही लगते हैं। पेप्सी है, अगर एक छोटे बच्चे को, जो बहुत छोटा बच्चा है, अगर उसको भी पेप्सी देंगे या पिज़्ज़ा बर्गर देंगे, वो उसको भी टेस्ट से खा लेगा। तो ये वाले जो खाने हैं हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और बात सही है कि हमें सोच बदलनी होगी हमारे अंदर। तो हम ये अगर हम देखें कि एक बार किसी को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो जाता है, वो पूरी ज़िंदगी का रोग बन जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को पहले से ही प्रिवेंट कर लें, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इनको प्रिवेंट करने की, अगर हम ये कर लें, अपनी सोच में परिवर्तन लाएँ कि हमें जो खाना खाना है, जो घर के खाना होता है वो खाएँ। हम ये नहीं बोलते कि बाहर का ना खाएँ। आप बाहर का दो हफ्ते में एक बार बाहर जाके थोड़ी साफ़ सुथरी जगह पर खा सकते हैं, पर रेगुलर वे में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, जिदा तुम्हें जिक्र किया कि डायबिटीज़ ज़्यादातर यंग फूड नाल ही होंदी है। डायबिटीज़ का किदा की लक्षण ने ते की कारण ने इस चीज़ के होंगे? देखिए, डायबिटीज़ का मतलब है शुगर हाई होना। और आजकल आम जनता को भी पता है कि डायबिटीज़ जो है बहुत ही भयानक रोग है। तो उसके अंदर क्या है कि डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, और आपको जो यूरिनेशन है वो ज़्यादा आता है, पेशाब ज़्यादा आता है। तो अगर ये ज़्यादा होने लग जाए, ऐसा नहीं है कि हर किसी को जो ये हो रहा है ज़्यादा वो है, पर उसको चेक जरूर कराना चाहिए अपना। आजकल तो किसी भी दुकान पे जाएंगे, अपने पास भी आप डायबिटीज़ की मशीन ले सकते हो और अपने आप भी चेक कर सकते हो। बाहर भी जाके 30-40 रुपए में आपकी ये चेकिंग हो जाती है। तो वो अपना चेक कराना चाहिए। 40 साल के ऊपर तो ज़रूरी आपको हर साल एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए, जिसमें डायबिटीज़ का ब्लड शुगर भी शामिल है। तो ये चेक आपको रेगुलर कराना चाहिए। चेकअप की बात करें, मिनिमम और मैक्सिमम रेशो क्या होनी चाहिए इसकी? रेशो जो हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर है, अगर हम अपना चेक करते हैं, और फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले का जो ब्लड शुगर है वो 70 से लेकर 110 के बीच में होना चाहिए मिलीग्राम। तो वो अपने आप मशीन में आ जाता होता है। और अगर खाना खाने की बात करें, 2 घंटे खाना खाने के बाद दोबारा चेक करना चाहिए, और वो 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। चेक करने के मतलब सुबह खाली पेट या कितना चेक? सुबह खाली पेट, बिल्कुल कुछ ना खाए पिए आपको खाली चेक करना चाहिए। आजकल डायबिटीज़ की मशीन मिल जाती हैं, अपनी 1000 के आसपास, 800-1000 की मशीन आ जाती है, और वो मशीन करके रखें, स्ट्रिप आती हैं उसके अंदर, उसके अंदर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो खाना खाने के पहले करें, फिर उसके बाद खाना खा लें, कुछ खा लें, और उसके बाद 2 घंटे बाद करें। बिल्कुल सर, थोनू नहीं लगता कि लोग बड़े लापरवाह ने इस चीज़ के? अगर ये चीज़ तुम डायबिट का जिक्र किया, मैंने लगता कि 50% हर घर के कोई ना कोई मरीज़ यदा जरूर होना गा, पर ध्यान नहीं देंगे। जो कोई तकलीफ होंगी तो आप दुकान पर जाने, स्टीरॉयड ले लें, पर वो चीज़ का प्रॉपर तरीके जड़ नहीं फड़ी जाती, वह टेस्ट नहीं हो पाता। ये चीज़ बारे की कहो? देखिए, हमारे चंडीगढ़ में, पंजाब में जो मरीजों की संख्या है वो बाकी देश के मरीजों की संख्या से बहुत ज़्यादा है। अब इसके बड़े सारे कारण हैं, जैसे बताया, पंजाब में बड़ा तंदुरुस्त पंजाब हम बोलते हैं, तो उसके अंदर हम पहले ज़माने में बहुत काम करा करते थे, खेती बाड़ी हुआ करती थी। आजकल खेती बाड़ी ऑलमोस्ट बंद सी हो गई है, या दूसरे लोगों को दे दिया जाता है, और खान पान हमारा वही वाला है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए पंजाब के अंदर, पंजाब चंडीगढ़ में मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर जो आपको ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, और अपनी सेहत का जो है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका सवाल क्या था इसके अंदर? स्टीरॉयड ले लेने आप? स्टीरॉयड, हाँ, स्टीरॉयड तो जो मरीज़ है उसकी तबीयत को और ज़्यादा ख़राब कर देता है, तो स्टीरॉयड बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और जब आपको लगता है कि इस तरह के लक्षण, जैसे मैंने बताए, आपको ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको आपका जो अंग है, अगर कोई चोट लग जाती है, अगर वो सूखती नहीं है, अगर वो भी एक लक्षण है कि डायबिटीज़ हो सकती है आपको, तो इसमें आप सीधा डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा, और उनको पता है कौन सी मेडिकेशन करनी है, तो वो लें। स्टीरॉयड बिल्कुल ना लें, इससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और आपको जो आगे आने वाली दवाई हैं वो भी असर करनी बंद कर सकती हैं। बिल्कुल
सर जिदा कोई डायबिटीज का जिक्र करिए आपां कोई नॉर्मल दा इलाज है जो आपां घर दे विच रह के कर सकते हैं कोई जिदा आपां देसी तरीके दे नाल ला लिए कोई इदां दा कोई है इलाज? देखिए इलाज वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे बीमारी इसके लिए क्योंकि रोकथाम कर सकते हैं और इसकी जो है प्रिवेंशन और रोकथाम और कंट्रोल ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि जब हम बोलते हैं कि पहले तो क्या डायबिटीज़ को नहीं खाना चाहिए, अगर आपके घर में डायबिटिक मरीज़ है तो क्या ना खाएं, सबसे पहले तो ये मानने की तो जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हमारे उसमें हम ये बोलते हैं कि जो बहुत ही शुगरी फ्रूट्स हैं जैसे कि संतरा हो गया या फिर आपके अंगूर हो गए है ना, केला हो गया, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो आम बोलते हैं कि सेब हो गए या ऐसी चीज़ होगी तो वो चीज़ खानी चाहिए। ऊपर से शुगर नहीं डालनी चाहिए कोई भी, कई लोग दही में भी शुगर डाल देते हैं ऊपर से है ना, वो नहीं डालनी चाहिए। आपको फिजिकल एक्टिविटी कम से 30 से 40 मिनट तेज़ वॉक करनी चाहिए और आपको जो हम टारगेट बना लेनी चाहिए कम से कम 8 से 10,000 स्टेप्स पर दिन ये करने चाहिए। अब रोकथाम कैसे, कुछ क्या खाना खाएं जिससे रोकथाम हो, जैसे कई लोग बोलते हैं कि जो करेले का जूस होता है, करेला जो होता है उससे काफ़ी हद तक हम इससे प्रिवेंशन हो सकती है, पर इसके जो हैं अभी पूरी स्टडीज़ नहीं है, पर ये अच्छी बात है कि आप करेले का जूस पीते हैं और कुछ जामुन जो है, जामुन का भी बड़ा रोल बताया गया है कि इसकी प्रिवेंशन के अंदर, तो ये सब चीज़ करेंगे और जो शुगर वगैरह की चीज़ें जो हैं, हाई फैट की चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपकी रोकथाम काफ़ी हद तक हो सकती है इसके। सो थैंक यू सर। बिल्कुल ये सानू साडे नाल डॉक्टर सोनू गुल जी कह सकते हैं कि अजकल ये चीज़ा बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही ने, सानू परहेज़ साडे अपने हत्थां दे विच ते साडे अपने घर दे विच ही है। बड़े तो साडे नाल देखते रहो साडा चैनल बाई जी टीवी।